खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद के ग्राम ढापला में गत दिनों नर्मदा झाबुआ बैंक कर्मचारियों ने समय पर केसीसी ऋण राशि जमा नहीं करने पर एक कृषक मां बेटे की जमीन कुर्की की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान बैंक कर्मी बैंडबाजों के साथ किसान के घर पहुंचे थे, जिसका सोमवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विरोध दर्ज कराया। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में महासंघ ने किसान को सम्मान जमीन वापस लौटाने के साथ ही अफसरों और बैंड बाजे वालों पर भी कार्यवाही की मांग की। महासंघ के रामेश्वर गुर्जर, सीताराम इंगला, गोपाल पाटीदार, सुमित पाटीदार, रमेश पाटीदार, शंकर जाट, रमेश पटेल, नारायण यादव, सुखदेव पाटीदार ने बताया कि ग्राम ढापला निवासी भारत पिता सेकड़िया और जमुना पति सेकड़िया के द्वारा नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा वेस्टान से केसीसी ऋण लिया गया था। इस ऋण वसूली के लिए बैंक कर्मी हनुमान जयंती के उत्सव के दौरान बैंडबाजों के साथ पहुंचे और उनसे आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए बलपूर्वक अंगूठे का निशान लगवाने के बाद जमीन कुर्की की कार्यवाही की। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। एक सूरज भाई है, एक माताराम है, जमुना देवी इनके पति स्वर्गवास हो गए। इन्होंने बैंक नर्मदा झाबुआ से 1,63,000 लोन लिया था, कालांकित हो गया। कालांकित के बाद में 2022 में इन्होंने 1.5 लाख रुपए बैंक को अदा कर दिया था। बैंक के बाद में हनुमान जयंती जिस दिन थी, पूरा देश हनुमान जन्मोत्सव मना रहा था, उस दिन बैंक के कुछ होशियार कर्मचारियों ने वहां जाकर ढोल ताशे नगाड़ों के साथ में किसान के खेत पर जाकर कुर्की की जब्ती की बोर्ड लगाए। ये संवैधानिक भी नहीं है। जमीन कितनी माता जी आपसे? ये भगवानपुरा तहसील के ग्राम ढापला के किसानों के साथ में जो भारत भाई सक्रिया है उनके परिवार में हनुमान जन्म उत्सव के दिन जो ढोल ताशों के साथ में किसान के घर कुर्की की गई, उसके संबंध में हमने माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सुझाया है कि जो किसान के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है उसको ठीक करे और दोषी कर्मचारियों को तत्काल अपने प्रभाव से उनको सजा भी मिले, नौकरी तो जाए ही जाए मगर उन पर बड़ी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमको कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना। किसान परिवार ने कितना लोन लिया था कि कुर्की के कार्रवाई करना पड़ी बैंक को, क्या मामला? किसान परिवार ने 1,63,000 लोन लिया था जो कालांतित होकर 1,50,000 रुपये 2022 में अदायगी हो गई, मात्र ब्याज के पैसे के कारण ऐसा हुआ। कितना ब्याज बाकी था? मात्र 13,000। कितने एकड़ जमीन की कुर्की की गई थी? 6 एकड़ जमीन की। किस प्रकार से कुर्की की गई बैंक द्वारा? कुर्की का व्यवहार था कि हनुमान जयंती उत्सव के दिन ढोल ताशों के साथ में पूरे गांव में जाकर किसान के खेत पर कुर्की की गई और माता बहनों के साथ जबरन उनके साथ में अंगूठे के निशान लगाए गए और बहुत ही महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। क्या कहना पड़ा अधिकारियों का? अभी अधिकारी महोदय, एडीएम महोदय ने बताया है कि हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा होता है तो जांच करके हम दोषियों को दंड देंगे। क्या नाम है? गोपाल पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।